बंदोली पंचायत में एक पॉजिटिव व्यक्ति ने अपना वोट डाला, जिसके लिए राजकीय प्राथमिक पाठशाला डोल में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। इस संदर्भ में डॉक्टर अमनदीप सिंह सिविल अस्पताल ज्वालामुखी ने बताया कि बंदोली पंचायत में एक पॉजिटिव व्यक्ति था, जिसको सबसे बाद सरकार के नियमों के अनुसार शाम 4 बजे से 5 बजे तक का टाइम रखा था, जिसका मत कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन के अनुसार ही डाला गया। उसके आने से पहले पूरे पोलिंग स्टेशन को खाली करवा दिया गया था, उसके बाद उसे बुलाया गया और पहले उसे ग्लव्स पहनाए गए, फिर उसको हाथों को सैनिटाइजर करवाया गया, फिर हमारी हेल्थ स्टाफ को पीपी किट पहनाकर उसका वोट डाला और सारी जगह को सैनिटाइज किया गया। रंजीत परमार ASI ने बताया कि बंदोली पंचायत में शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हुआ। चुनाव प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के गाइडलाइन के अनुसार हुआ और इसी पंचायत में एक पॉजिटिव व्यक्ति था, जिसका वोट भी कोविड-19 महामारी की गाइडलाइन के अनुसार ही डाला गया। हमारे पास एक ही पेशेंट था आज यहाँ पे लास्ट में, तो हमने उनको 4 बजे के बाद बुलाया था और सारे के सारा पोलिंग बूथ जो है उसको क्लियर कर दिया गया था, ताकि कम से कम कॉन्टैक्ट हो उनका और इस जगह को हॉटस्पॉट बनने से बचाया जा सके। और साथ में हमने अपने हेल्थ स्टाफ के जो वर्कर हैं उनको पीपी किट पहना के और जो वोटर था उसको भी ग्लव्स और उसके हाथों को सैनिटाइज किया, ताकि कम से कम किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी हो किसी भी तरह के कॉन्टेमिनेशन की। उसके बाद उनको प्रॉपर हमने असिस्ट किया और अंदर कम से कम पॉसिबिलिटी रखी कि कोई कॉन्टेमिनेशन ना हो। उसके बाद उनको वोट करके वो जा चुके हैं यहाँ से, और उसके बाद हमने सारे के सारे एरिया उसके बाद फिर से सैनिटाइज किया है और किसी भी तरह का चांस नहीं है कि उनसे किसी और को बीमारी लगी होगी। प्रदेश पंचायत राज के इलेक्शन के ग्राम पंचायत बदौली के चुनाव हुए, इसमें 3 बार 1 नंबर वार्ड 2 नंबर 3 नंबर वार्ड डोल प्राइमरी स्कूल में हुआ, जो पूरे लॉ एंड ऑर्डर सहित पूरे वोटिंग हुई। इसके अतिरिक्त एक रिसेंटली कोरोना पेशेंट पॉजिटिव डिक्लेयर हुआ था, उसकी भी हिमाचल प्रदेश की कोविड गाइडलाइन के अनुसार हेल्थ डिपार्टमेंट की देखरेख में उससे भी वोटिंग कराई गई। पूरा मतदान शांतिपूर्वक रहा।